हाय दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है। मैं आज एक ऐसा जगह घूमने आया हूँ, आप वो जगह देख के हैरान हो जाओगे, जिसका नाम है बाबा विश्वेश्वर शिव का टेम्पल है। ये टेम्पल हमारा जाजपुर कलिंगा नगर एरिया में बालुगाबंदी गांव गांवों के पास एक शिव का मंदिर ही है। यहाँ पे आने के लिए आपको लोकेशन बता रहा हूँ, बालुगा मंदिर बाजू में आपको वो मंदिर मिलेगा। लेबुल क्रॉसिंग है, ट्रेन का लेबुल क्रॉसिंग है, वो लेबुल क्रॉसिंग पार करके आपको आना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर नज़ारा है, देखिए मैं मंदिर के अंदर आने वाला हूँ, आपको चीज़ दिखाऊंगा। देखिए ये मंदिर में खास बात है कि जिस टाइम पे एक लेवल क्रॉसिंग का रोड बना रहे थे, तो उस समय क्या हुआ ना, यहाँ पे जो लाइन जाने वाला था, ट्रेन का लाइन, तो इसी मंदिर के ऊपर जाने वाला था। इस मंदिर के ऊपर जाने वाला था, लेकिन ये खुदाई के टाइम पे शिव का लिंग में जो गांठी लग गया, जिसके वजह से खून निकलने लगा, और यहाँ पे का पंडित को सपना आया कि शिव जी बोले मैं लिंग के रूप में यहाँ रहता हूँ, आप वहाँ पे लाइन मत लीजिए और कहीं दूसरे जगह में घुमा के लीजिए। बहुत पुराना मंदिर है। शिवलिंग पाताल के अंदर से निकला है। देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है मंदिर, आप लोग भी आइए, आके यहाँ का नज़ारा का मज़ा लीजिए। अब आप लोग नज़ारा का मज़ा लीजिए। देखिए ये बगई का नाम पे जाना जाता है, बगई विश्वेश्वर शिव का मंदिर है। ये इनका वृषभ है। ये हो गया वृंदावती माता। देखिए यहाँ पे सब कितना कबूतर है। ये हो गया उनका शिव का जो नाग है सब। यहाँ के बहुत सारे नारियल पेड़ है। आप ये मंदिर देखे नहीं होंगे, एक बार आके मंदिर दर्शन करके जाइए, भगवान शिव को आपका मनस्कामना पूर्ण होगा। और ये तो अभी नया मंदिर बना हुआ है, पहले एक छोटा मंदिर था काफ़ी सालों पहले। और यहाँ पे देखिए तालाब है, तालाब है, देखिए मैं आपको हर चीज दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे काफ़ी सालों पहले एक गांव था, और एक गांव में कम से कम 400-500 घर था। तो एक दिन ऐसा बीमारी आया यहाँ का, जो गांव में सब लोग मर गए वो बीमारी में। ये देखिए उनका तालाब है, कितना
सुंदर नज़ारा है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ को थोड़ी देर में पंडित जी को बुलाऊंगा मैं, पंडित जी मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या इसका खासियत है मंदिर का। और यहाँ पे ये सुनसान जगह जो है, यहाँ पे मंदिर कैसे आया और कहाँ से, बताएंगे हर चीज़ आप पंडित जी। एक कुआँ है, ढका हुआ है, इसका अंदर पानी भी है, बहुत गहरा कुआँ है। ये हो गया पादो कुंड है, देखिए मंदिर इतना बड़ा है, यहाँ कैमरा नहीं पहुंच पाता है, इतना बड़ा है मंदिर। ये मंदिर का पीछे साइड है, देखिए इनका मंदिर जो है कितना बड़ा मंदिर है बनाया। देखिए यहाँ पे जगन्नाथ भगवान भी रहते हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। यहाँ पे देखिए पंडित जी को सपना हुआ था कि यहाँ आने के लिए, मैं दिखा रहा हूँ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, मतलब यहाँ पे देखिए पंडित जी बताएंगे इनके बारे में, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। यही है वो बगई विश्वेश्वर का धाम के पास में दूसरा रूम में ये भगवान है, रहते हैं अभी। इनका मंदिर अभी बनाया नहीं है, मंदिर काम चल रहा है अभी, पंडित जी कुछ बताएंगे। नन्ना वो तो उड़िया में बात करना चाहते हैं लेकिन हिंदी उनको थोड़ा मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं उड़िया में पूछता हूँ। नन्ना ये जगन्नाथ केमी कौन आसले ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆତ ଯେମିତି ହେଲା, ତିନି ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଏଠିକି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପୂଜା ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଡେଲି ପୂଜା, ଧୂପ ଦୀପ ନୀତି ବି ହେଉଛି, ଆଳତୀ ଫାଳତୀ ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେବା କଥା ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। और ये जो नीम का पेड़ आप लोग दिखा रहे हैं, मैं नीम का पेड़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे ये पेड़ में हर तरह का निशान है, जैसे हो गया शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे सारे निशान है ये पेड़ में। देखिए ये हो गया शंख का निशान है, ये आपको गदा का निशान दिख रहा है, शंख चक्र गदा पद्म ये पेड़ में निशान है। आप लोग भी आइए, पेड़ को जरूर दर्शन करके जाइएगा। देखिए कितना बड़ा मंदिर है आप लोग को दिखाई दे रहा है। और हर साल में जितना भी शिव का पूजा आता है ना, ये बड़ी धूमधाम से पालन करते हैं यहाँ का लोग। जैसे हो गया जागर, शिवरात्रि, ये कोई भी शिव का अगर आता है जो पूजा का टाइम, बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं इनका मंदिर का। मैं थोड़ी देर में आपको मंदिर का अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि जैसे शिव का लिंग जो है, वो लिंग का माथा के ऊपर एक गायंती लग गया था। जिस टाइम ट्रेन लाइन इसमें बना रहे थे लोग, तो उसी समय सब गायंती लग गया था शिव का लिंग माथा के ऊपर, जिसके वजह से खून निकला था।
और जैसे खून निकला उसी दिन, मतलब उसी समय सब लोग देखे हैरान हो गए, जो काम कर रहे थे जो लोग, तुरंत पता चला यहाँ पे कुछ है। तो मैं चलता हूँ पुजारी के पास, पुजारी से पूछताछ कर रहे हैं मंदिर के बारे में थोड़ा। पुजारी को हिंदी पता नहीं है, इसलिए वो उनका भाषा में बोलेंगे। वो देखना पड़ेगा, वो खुदाई किया जितना नीचे 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 तक खुदाई किया गायंती से, तो उतना नीचे तक वो लिंग मतलब मिट्टी के अंदर ही था, उनका कोई खोद ही नहीं पाया। बहुत पातल पुटी से निकला है, और उसका बाद जब खोदने का टाइम पे बहुत नीचे तक खुदाई करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, पानी निकला, झरना निकल गया वहाँ से, और पानी ये मंदिर चारों तरफ पानी हो गया। और उसी दिन से कोई खोदना बंद कर दिया। उस टाइम छोटा मंदिर था, अभी तो बहुत बड़ा मंदिर हो गया। ये बगे विश्वेश्वर मंदिर का नाम में जाना जाते हैं, ऐसी जो है। देखिए यहाँ पे जगन्नाथ भगवान भी रहते हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। ये देखिए अभी मैं मंदिर के अंदर में मैं आप लोग को प्रवेश कर रहा हूँ, फ्लैश लाइट लगा के दिखा रहा हूँ। देखो मंदिर का यज्ञ कुंड कितना सुंदर है। अभी मंदिर के अंदर आ रहा हूँ, देखिए। आपणकर टिके परिचय दिंतु ना अन भलो ना हो जे सुशांत पंडा। अच्छा डाकना हो जे मुसा नना घर कोठी बाळुआ मंदिर। एडी केते वर्ष होला पूजा अर्चना करचोंदी? जेजेबापा मळीरु। टिके मंदिर भितर को चालंतु, टिके देखिबा मंदिर भितर कोन केमिति हेछि। आसंतु ये मंदिर का साइड का प्रवेश द्वार है, ये इनका मेन डोर है, प्रवेश का मेन डोर है मंदिर का अंदर जाने के लिए। ये देखो मंदिर का जो नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, मंदिर का नज़ारा कैसा। मंदिर का अंदर अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ तो पूरा अंधेरा दिख रहा है। देखिए ये जो शिवलिंग है इसका ऊपर गायंती लगा था, जिसके वजह से खून निकला था। कई 100-150 साल पहले यहाँ पे रेलवे का पटरी काम हो रहा था, और उसी समय का बात है। ये देखिए मैं ये जो फटा हुआ है शिव का लिंग के जो गायंती लगा था ऊपर में, वही वाला निशान आपको दिखा रहा हूँ। कैसे दो टुकड़े होने वाला थे, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं पंडित जी को बोला कि उन्होंने फोल खोल के हमको दिखा रहे हैं ये वाला। ये देखिए ये पातलपुर से निकले हैं शिवलिंग, आप लोग जरूर दर्शन करने आएगा मेरे दोस्तों। देख लिए शिवलिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आने वाला हूँ। जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय।